हम पिए दारू ही पियत बनी खाद बनी फालूदा फालूदा यार एक खाए वाला चीज हो ये सब साला नुकसान के चीज हो रोडे फोडे बेचत बना पता नहीं का का कुल टेम्पू टेम्पू में कुल लाद लाद के जो फालूदा आजकल रोडे में नहीं बेचत हूँ। दारू तो मत बेटर है। दारू दारू इतना सुंदर चीज है कि उसका कोई पैमाना नहीं नाप सकता उसका कोई जमाना नहीं नाप सकता। दारू के हम लोग दीवाने हैं उसके लिए अफसाने हैं। अगर तुम कहोगे तो तुमको भी ढकेलिए देंगे गाड़ी में से क्योंकि दारू दारू से कौनो मजाक नहीं है। कोई अगर कर दे तो बुरा बा चाहे वो केहू हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे मेहरारू चाहे केहू हो फालूदा हम ना खाई बिल्कुल फालतू चीज नुकसान करेला हमके लीवर किडनी एक्सेप्ट ना करी। मैं तो बस पूछ रही थी हाँ। लेने का मन नहीं था नहीं तो हम ऐसे भी हमको लेना होता तो हम खरीद लिए होते। यही है गाइस अब आलूदा फालूदा खाएगा कट्टा कट्टा पिएगा दारू खाएगा मुर्गा बकरा मछली हम बढ़िया चीज खाते हैं कि आलूदा फालूदा ये वाला इकुल कौन खाता है। हम बच्चा थोड़ी नहीं है दूध पिए चाय पिए आलूदा खाएं फालूदा खाएं। बस यात्रा आज खत्म होता है ये अपने आवास के लिए प्रस्थान करेंगे कुछ ही क्षण में ट्रेन से क्योंकि फ्लाइट का व्यवस्था है नहीं बनारस से बलिया फ्लाइट नहीं जाती नहीं तो एयरपोर्ट छोड़ता अब तो स्टेशन पर न जाना पड़ेगा तो स्टेशन पे इनको ले जाके मैं छोड़ दूंगा ये अपने घर के लिए निकलेंगी। इनका कार्यक्रम बनारस का हुआ समाप्त और इसके बाद से आज हमको आज से मिलेगा छूट रात से होगी पार्टी आज जो है ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे इधर पूरा मजा लेंगे। गाइस तो जब आदमी खाली हो जाता है गर्लफ्रेंड अगर बनारस में न रहे तो फिर आदमी क्या करेगा मजा लेगा चलते हैं आज मजा लेने आप लोग भी आइए धमाल करते हैं कमाल करते हैं स्टेशन पहुंच के फिर वीडियो बनाते हैं। हेलो गाइस कैसे हैं आप ये देखिए बियर के साथ डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया कि कट्टा एकदम फिट है वो अभी थे लेकिन नहीं हुआ ऐसा लेकिन डॉक्टर मेरा वीडियो देखेगा तो कहेगा कि हम गरिया रहे हैं कोई डॉक्टर तुमको नहीं कह रहे भाई हमको लगा कि डॉक्टर बोलेंगे सॉरी लेकिन आज रिपोर्ट आया कहें एकदम फिट है। आज के बाद जो है उन्होंने 100 पाइपर लिखा कि आज के बाद जो 100 पाइपर हम कहा कि ब्लैक डाग तो मना कर दिए कि नहीं ब्लैक डाग नहीं 100 पाइपर पी सकते हैं वो जो है ज़्यादा नहीं 8-9 पैक 10 पैक 4-5 बियर इससे ज़्यादा मत पीजिएगा मतलब इतना के लिए बहुत लिमिट मिल गया है। फिर होता है ना आदमी का ATM से पैसा निकालने का 40,000-50,000-1,00,000 का लिमिट होता है तो दारू पीने का भी कि 8 पैक दारू और 4-5 बियर इतना के कोटा मिला है हम लोग का कोटा ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं राजा हैं हम। देखिए इसकी मार्च तो पूरा सिस्टम हमारे अधीन है पूरा मार बियर देखकर का है। हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं आपका मनीष सिंह कट्टा आज चलाएंगे बुलेट तो राजा हैं हम हमारे पास सब कुछ है हम खाली चुतियापा कर जाते कभी कभी। गाइस राजा भाई राजा होता है राजा राज करेगा प्रजा झांट के बारे का इतिहास गवाह रहेगा। कट्टा चलाएंगे बाइक बाइक चलाएंगे घर दुखी हूँ रोड के डाटा जी एक्सपायर कर गए हैं गाइस बड़ा दुख का विषय है हमारे दोस्त अजय का जो है दादाजी एक्सपायर कर गए हैं। हम लोग देखिए घाट पे आए हैं घाट पे भीड़ ज़्यादा है लेकिन बड़ा दुखद स्थिति है इसलिए मैं ज़्यादा कोई बयान नहीं दूंगा। अभी गंगा जी किनारे हम लोग तीरे पे इसको बोलते तीरे पे गंगा जी हैं अभी कूद के दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नशे में ज़्यादा हूँ अगर कूद जाऊँगा तो हमारा भी लाश इधर लग जाएगा इसलिए कूदूँगा नहीं लेकिन बड़ा दुखद हूँ और दुख के विषय की बात ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। आज जो घाट पे हम आए हैं गाइस देखिए जीवन के साथ भी जीवन की बात भी इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए जीवन बहुत लड़चट है आज है कल नहीं रहेगा इसकी मांग जो जीवन का कोई लोड नहीं है जीवन का कोई लोड है आज है कल नहीं है। कल दादा हमसे बात किए थे आज पार हो गए तो बस वही मैं बताना चाहता हूँ। ये भी देख रहे हैं कैलाश इधर भी जल रहा है ये सब कई लोगों का लाश चल रहा है इधर पूरा भीड़ लगी हुई है ये सब लोग जो है आए हैं अभी ऊपर हैं पूरी जनता ऊपर है हमको इस बात का अफसोस नहीं। देखिए हमारा भी
किडनी दर्द कर रहा है लेकिन मैं मरूंगा नहीं, 80 साल जीऊंगा, अभी तीसरा साल हुआ है, 50 साल जीना है हमको, ये बात का खुशी है कि मैं जीऊंगा। लेकिन इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि कोई जिंदा यहां रहने के लिए परमानेंट नहीं आया, सब आदमी मर जाएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। गाइस ये किनारा देख रहे हैं, ये गंगा जी है, ये इधर घाट, इधर लोग जल रहे हैं, फूक रहे हैं, सब मर रहे हैं, और कट्टा भी यहीं पर फूकाएंगे, कट्टा भी यहीं फूकाएंगे, लेकिन 50 साल बाद। इस बात का घमंड कहिए चाहे प्रेम कहिए। गाइस देखिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी आदमी का कोई मोल नहीं है, एक दिन आदमी लाठ चढ़ जाता है।